हेलो डियर स्टूडेंट, असी प्लस वन जमात की पुस्तक कथा संगम विच दर्ज कहानी गोई जो कि प्रेम प्रकाश जी की शाखा रचना है बारे पढ़ रहे सी। बेटा पहला असी इस कहानी के पेज नंबर 18, 19, 20, 21 ते 22 की रीडिंग कर चुके हाँ अते आज असी पेज नंबर 23 ते 24 की रीडिंग करनी है। पर सब तो पहला मैं तुहानू पेज नंबर 18, 19, 20, 21, 22 दे सार संबंधी संखेप विच दसांगी। ओके बेटा, इस कहानी का मुख पात्र बखतावर है और उसकी पत्नी का नाम बलविंदर है। उसका एक पुत्र है जिसका नाम जंग बहादुर सिंह है। कहानी विच असी पढ़ते हाँ कि जिस दिन बखतावर की बेबे की बरसी हुंदी है उस दिन ही उसके पुत्र जंग बहादुर का जन्मदिन भी हुंदा है। पर घर विच हर साल पुत्र का जन्मदिन मनाया जाता है। इस तरह बखतावर अपने पुराने दिन याद करता है कि जदों उसकी बेबे की मौत हो जाती है तो वह अपने बापू नूं पिंड तो अपने कोल शहर लै आउंदा है। पर बापू दे प्रति उसकी पत्नी बलविंदर का वतीरा चंगा नहीं हुंदा, इसलिए घर विच कलेश पिया रहिंदा है। उस समय बखतावर नूं यह अहसास हुंदा है कि उसने अमीर घर की कुड़ी दे नाल व्याह क्यों किया सी। सो इस कलेश नूं खत्म करन लई बापू डंग टपाऊ कमरे के नाल छन पा के रहना शुरू कर देता है और अपनी मन मर्जी अनुसार रहन लग पैंदा है। पर बलविंदर ने तो हुण भी बापू नूं अपने पुत्र जंगी नाल खेडण तों टोक दिता सी। उस समय बखतावर बहुत औखा हुंदा है और सोचता है कि जिस जट्टां दी कुड़ी नाल उसके बापू ने उसका रिश्ता तय किया सी उसनूं उसके नाल ही अपना घर वसा लेना चाहिदा सी। दूजे पासे उसकी बेबे का सुभाव बापू तो बिल्कुल उल्ट सी। वो अपने उसनों अपने पुत्र जम्मन ते पालन का पूरा मान सी, भाव के उसकी आवाज़ भी गड़ीबरी जही नहीं हुंदी सी। ओके बेटा, इत्थे तक असी जो अपनी रीडिंग सी कंप्लीट की सी। हुण असी नैक्सट बेटा पन्ना नंबर 23 की रीडिंग शुरू करनी है। पर सब तो पहला असी इसके वर्ड मीनिंग नोट करांगे। फर्स्ट वर्ड आ गया बेटा कन्न खाल है, रौला पाउणा। नैक्सट सरदा है, सरदा मतलब गुजारा हुंदा। गेड़े मार गया, गेड़े मारना चक्कर मारना या फेरे मारना। नैक्सट वर्ड बेटा गठां बज गईयां, गठां बज गई गंढां बज गईयां। नैक्सट बेटा उदासी ना झली गई, उदासी बर्दाश्त ना होनी। नैक्सट बेटा मां बाहरा पुत मां तो बिना, ठीक है। नैक्सट उलझिया रहिंदा रुझिया रहिंदा, ठीक है। ओके बेटा, नैक्सट असी इसकी रीडिंग करांगे। हुण ये जो पैरा शुरू होण लगा इहदे विच वी जो जदों बखतावर की कोठी तैयार होनी सी जिस विच हुण उन्हां ने रहना शुरू किया सी उस संबंधी गल आएगी, ठीक है। बापू इस गैरेज विच फिर भी खुश है, जद यह कोठी बनन की गल तुरी तां बलविंदर ने मेरे कन्न खा ले सी। रोटी खाण वेले की सौण वेले की जिवें उन्हूं छुदा जिहा हो गया सी, आखिर मैं तैयार हो गया। यह सोच के पई पिंड की जमीन मसा साल भर के दाने देंदी है, ना वाहन बीजन वालियां दा कुछ बनता सरदा है ते ना ही साडा। फिर ट्रैक्टर वाला चाचा कई गेड़े मार गया सी इस हुड़क च। नाले बलविंदर दी यह गल भी ठीक सी भई पिंड की जमीन नालों शहर की कोठी की कीमत तेजी नाल वधदी है। हुण इत्थे बखतावर किहड़ी गल कर रहा है कि जदों उन्होंने कोठी बनाउणी सी तां उस वेले बलविंदर ने उसते कन्न खा ले सन, किहड़ी गल कह के कि जो उन्हां दी जमीन है पिंड दी उसनूं वेच दित्ता जावे। पहला लेखक उसकी गल वल कोई ध्यान नहीं दिंदा, पर उसे वार वार कहन ते उसनूं बलविंदर दी गल ठीक लगदी है। तो दूजे पासे जो उन्हां दा ट्रैक्टर वाला चाचा सी वह भी चक्कर मार रहा सी कि वह किहड़े वेले अपनी जमीन वेचन तो वह खरीदना चाहुंदा सी। नैक्सट बेटा पर बापू नूं मनाउणा किन्ना औखा सी, जद वह कहिंदा दो बीघे डले नहीं रख हुंदे ते इत्थों, ठीक है। डले नहीं रख हुंदे मतलब सांभे नहीं जांदे तेरे को, पिंड विच जमीन होनी जरूरी है साडी, रहन दे आपां पिंड जाण जोगे तां रहीए, आंग साख की कहणगे। तो मैं उहदी सारी दलील मन जांदा, पर बलविंदर नूं कौन समझाउंदा। हुण बलविंदर अपने पति बखतावर नूं जमीन वेचण ते जोर दे रही सी, पर बापू दे लई जमीन वेचना सौखा नहीं सी।
वह अपने पिंड दे नालों अपना नाता नहीं तोड़ना चाहुंदा सी, क्योंकि उसके मन में यह भी सी कि जेकर वह जमीन वेच देंगे तो उन्होंने अंग साख भी गल्लां करनगे। नैक्सट पैरा बेटा, फिर बापू नूं समझाउणा किन्ना औखा हुंदा सी। एक बार तो वह मेरिया गल्लां सुनदा सुनदा रो ही पिया सी। क्यों रो पिया सी? क्योंकि जट नूं अपनी जमीन बहुत प्यारी हुंदी है। मैं जदों चुप कर गया फिर किन्ना ही चिर चुप रहा। बलविंदर मेरे चुप रहन तो डरन लग पई। फिर तो इस तरह लगे जिवें साढ़े तिना के अंदरों गल्लां मुक गई होण, गल्लां दीआं गठां बज गई होण। हुण पल पल यही रहिंदा सी कि देखिए कौन फिसदा है। मतलब जदों जमीन वेचण दे लई बापू नहीं मान रहा सी ते उस समय बखतावर भी चुप कर जांदा है ते आपस विच जिवें घर विच जिहड़ी गल्लबात पहले हुंदी सी ओह खत्म हो जांदी है। मतलब चुप चान एक उदासी जी छा जांदी है घर विच। अंत नूं बापू फिस गया। शायद उस तों मेरी उदासी ना चली गई। मैं उहदा मां बारा पुत हां ना, मैनू इवें लग्या सी। फिर वह आप ही जमीन वेच के कोठी बनाउण दीआं सलाहां देण लग पिया। कई दलीलां ते उहदीआं बलविंदर नाल भी रलदीआं, पर मैं फिर भी फैसला ना कर सकिया। अंत विच की हुंदा जदों बापू अपने पुत्तर नूं उदास वेखदा है ते उस कोलों अपने पुत्तर दी उदासी झली नहीं जांदी। ठीक है, क्योंकि एक तो बखतावर मां वारा पुत सी, मां दी पहले मौत हो चुकी सी, इसलिए वह अपने पुत्र की खुशी लई अपनी जमीन वेचण लई राजी हो जाता है। एक दिन फैसला हो ही गया। जमीन की रजिस्ट्री करके बापू रुपये पल्ले पुआ के आ गया। फिर झोटी विक गई, छन ते कोठा ढा दिता गया, नवी कोठी उसरन लगी। बापू आप उहदे कम्मां च उलझिया रहिंदा। कोठी तैयार हो गई तो बापू वास्ते फिर मुश्किलां खड़ियां हो गईयां। वह किहड़े कमरे च रवे, कित्थे बैठे उठे, वह थां किहड़ी होवे जिथे बलविंदर का दखल ना होवे। उसी गैरेज जिथे खड़ी करन वास्ते साडे कोल हाले कार नहीं सी। इस तरह बापू अपनी जमीन वेच के पैसे पल्ले पवा के आ जांदा है, झोटी भी विक जांदी है, छन ते कोठा भी ढा दिता जांदा है ते बापू खुद हुण कोठी बनाउण दे कम्मां विच उलझा रहिंदा है। पर जदों कोठी तैयार हो जांदी है फिर सवाल पैदा हो जांदा है कि बापू कित्थे रहे, जिथे कि उसनूं बलविंदर की दखल अंदाजी का रोक टोक का सामना ना करना पवे। वो कित्थे रहना शुरू कर दिंदा है? गैरेज विच, क्योंकि इत्थे खड़ी करन वास्ते बखतावर कोल हले कार नहीं सी। नैक्सट बेटा, पेज नंबर 24, पहले इसके वर्ड मीनिंग अस लिखांगे। हुण इत्थे वर्ड है तसला। तसला एक बर्तन है। नैक्सट बेटा वर्ड है बिलंग। बिलंग जिवें किली कपड़े टंगण वास्ते जिवें बनाईआं जांदीआं सी। ठीक है, कई कंधां विच कई बार लक्कड़ दी किली भी जिहड़ी ठोक दित्ती जांदी सी। नैक्सट बेटा वर्ड है हवाड़, बदबू। नैक्सट चित करदा है, मन करदा है। नैक्सट वर्ड है कुछ ढिल्ला होण करके बीमार। नैक्सट निगूणी, मामूली। और ये लाइन बेटा तुसीं अंडरलाइन करो, गोई पतले जे कड़ाह नूं कहिंदे हन भावें गुड़ शक्कर दा होवे। ठीक है, ओके, पेज नंबर 24 तक असीं रीडिंग करनी है। रीडिंग बेटा इस तों बाद, इत्थे हुण बापू खुश रहिंदा सी। किहड़ी जगह च? गैरेज विच। वह अपने मंजे कोल सुआह दा तसला रखदा, अपनी मर्जी नाल खंघ दा थुकदा है, अपने मोढ़े ते रखे परने जां चादरे नाल नक पूंझ लैंदा है। चाहवे तां बिस्तरा वलेट देवे, चाहे तां खोल लवे कपड़े, चाहे अपने बिलंग ते टंगे ते भावें कुर्सी ते सुट्टी रखे, उहनूं कोई पुछण टोकण वाला नहीं है। मतलब जदों गैरेज विच रहना शुरू कर दिंदा है ते उत्थे भी अपने मन मर्जी दे नाल रहिंदा है ते उत्थे उसनूं कोई रोक टोक नहीं हुंदी। इस तरह रहन दे सुख नूं बलविंदर नहीं समझदी, मेरे वो दोस्त समझते ने जिन्हां दे घर इहो जे बापू ने। वह जद भी आउंदे ने बापू नूं जरूर मिलदे ने। जद बापू शाने ठां बहिंदा सी वह तां वी उहदे कोल बैठे रहिंदे सी। मज दे गोहे ते मुतराल दी हवाड़ च वह बापू नाल दारू कढ़न, पीण, पिंड दीआं लड़ाइयां, छिंझां दीआं गल्लां करदे रहिंदे। बलविंदर उहनां लोकां नूं अनपढ़ समझदी सी। हुण इहो जे जिहड़े आनंद सी जो पिंड दे रहन सहन दे तौर तरीके जो सन, उस नूं बलविंदर नहीं समझ सकदी सी, क्योंकि शहरी रहन सहन दे तौर तरीकों तो जाणू सी, शहर दी जंपल सी। पर इस नूं कौन समझदा सी? बखतावर दे वो दोस्त जिन्हां दे घर इहो जे बापू सन,
ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਖਤਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਅੱਜ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਖਤਾਵਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਉਸਦੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੋਈ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਕੁਛ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਦ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜਦ ਉਸਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੋਈ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁੜ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਡੋਂਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪੂ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਗੋਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਖਤਾਵਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੋਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੱਟਾਂ ਬੁੱਟਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਤਾਵਰ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਖਤਾਵਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 24 ਤੱਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 18 ਤੋਂ 24 ਤੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 25, 26 ਔਰ 27 ਇਹਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪਲੈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।